सागर की निद कद पाइए पोखर से, दिन कर सर दीप ज्योत ना पुजाइए। एक तालाब का पानी सागर की तुलना कैसे हो सकती है उससे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई गुरदास जी उदाहरण दे रहे हैं, एक एक उदाहरण ध्यान से सर्वेंट कीजिए। सागर की निद कत पाई है पोखर से, दिन कर सर दीप ज्योत ना पुजाई है। सूरज की रोशनी का दीपक से क्या मेल? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक छोटा सा दीपक सूरज के आगे क्या है? तेरे गुरु के आगे दूसरा क्या है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इंद्र बरखा समान पूजन न कूप जल चंदन सुबास न पलास महकाई है। कुएं का पानी और वर्षा के पानी में जमीन आसमान का अंतर है। कुएं में कितना पानी होगा, वर्षा से पहाड़ तक भीग जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चंदन सुबास न पलास महकाई है। चंदन के पेड़ की लकड़ी की और आम लकड़ी की क्या तुलना? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपने गुरु को इतना बड़ा मान, भाई गुरुदास जी कहते हैं श्री गुरु दयाल की दया ना आन देव। श्री गुरु दयाल की दया ना आन देव, मैं जो खंड ब्रह्मंड उदय अस्त लौत ताई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। श्री गुरु दयाल की दया ना आन देव, मैं तेरे गुरु जैसा। भाई गुरुदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु जैसा जितने भी देवी देवता हैं कोई छोटा नहीं मेरी नजरों में, सब जिसके लिए जो है वो बड़ा है, पर मेरे गुरु जैसा कोई नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर एक बात याद आ गई, बाबा नंद सिंह जी के वचन कहते थे ध्यान रखना, सतगुरु वड्डा कर सलाइए जिस विच वडिया वडियाइया, सबसे वड्डा सतगुरु नानक, ये हम कहते हैं। पर ये भूल मत कर बैठना कि अपने गुरु की वडियाई में किसी दूसरे के गुरु की बुराई हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अक्सर ऐसे लोग मिल जाते हैं, अज्ञानी होते हैं वो लोग, ऐसे कह देंगे वो, मैं शिव जी को नहीं मानता, मैं कृष्ण जी को नहीं मानता, मैं केवल गुरु नानक को मानता हूं। बाबा नंद सिंह जी कहते थे जो इस प्रकार की बात करता है, दूसरे के गुरु को छोटा बताता है, सबसे पहले गुरु नानक की पीठ उसकी तरफ हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हजरत मोहम्मद साहब तो यहाँ तक कहते हैं एक बात, बड़ी ध्यान से, ये बहुत कीमती बात है, आज के जमाने में इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। हजरत मोहम्मद साहब कहते कभी भी किसी के धर्म के गुरु की या धर्म की या किसी के धर्म गुरु की बुराई मत करना। अपने शिष्यों को हमेशा वो मुरीदों को समझाया करते थे, ये बात अक्सर समझाया करते थे, कभी भी किसी के धर्म के दूसरे धर्म की, और आज हो क्या रहा है, हजरत मोहम्मद साहब समझा के क्या गए थे और लोग कर क्या रहे हैं। कभी भी दूसरे के धर्म की या दूसरे के धर्म के गुरु की बुराई मत करना, उसे नीचा मत दिखाना, क्योंकि अगर तूने ऐसा किया तो सामने वाला पलट कर तेरे गुरु की तेरे धर्म की बुराई करेगा, उसे मजबूरी में करनी पड़ेगी पलट कर, और जब वो करेगा इन दोनों का पाप तुझे ही लगेगा क्योंकि तूने शुरुआत की थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो पलट कर बुराई करेगा तेरे गुरु की, इसका पाप और उसका पाप, दोनों का पाप उसे लगेगा जिसने शुरुआत की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने का भाव अपने गुरु के उस्तत में कहीं दूसरे की निरादरी ना हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई गुरदास जी समझाते हैं कि पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक चला जा, ढूंढ ले, मैंने ढूंढ लिया पर मेरे गुरु जैसा कोई नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई रे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास एक पीर आ गया, बड़ी कमाल की घटना है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास एक पीर आ गया, उसने सवाल किया कि अल्लाह बड़ा के गुरु नानक? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अल्लाह बड़ा है कि गुरु नानक बड़ा है, आज फैसला करो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, कहने लगे सबसे पहले तो दो है ही नहीं, सबसे पहली बात तो दो है ही नहीं, एक ही है, पर अगर तुझे लगता भी है कि दो हैं तो तुम्हें तुम्हारा मुबारक,
हमें हमारा मुबारक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बस इस बात को गांठ बांध, कभी भी किसी दूसरे के गुरु की बुराई ना हो जाए, इस रस्म से किसी का दिल ना दुख जाए। अगर ऐसा हो गया तो हमारे गुरु की पीठ हमारी तरफ सबसे पहली हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।